हेलो गाइस, आज हम देखेंगे कि एक यूआई की मशीन आप कैसे सेटअप कर सकते हो। मैंने अपने 12 साल के करियर में ये ऑब्जर्व किया है कि कई बार लोग एक या दो दिन ले लेते हैं, जब भी नया प्रोजेक्ट में ज्वाइन करते हैं ना, एक या दो दिन ले लेते थे सिर्फ अपना सिस्टम सेटअप करने में। तो ये बहुत बड़ा वेस्ट ऑफ टाइम है गाइस। एक तो आपके प्रोजेक्ट का नुकसान होता है इसमें, और दूसरा कि आपकी भी थोड़ी सी विश्वसनीयता कम हो जाती है अगर आप दो दिन सिर्फ मशीन सेटअप के लिए लगा दो। मेरे नज़र में एक या डेढ़ घंटा सफिशिएंट है किसी भी यूआई डेवलपर की मशीन सेटअप करने में। आपको सॉफ्टवेयर ही कौन सा लगता है? आपको लगता है गिट, फिर नोड जेएस लगता है। नोड जेएस इंस्टॉल करोगे तो npm ऑटोमेटिकली आ जाएगा। फिर आपको एक IDE लगेगा विच इज़ लाइक विजुअल स्टूडियो कोड। उसके बाद में आपको लगेगा जावा, जावा के बाद लगेगा एंड्रॉयड स्टूडियो। मेरे ख्याल से इतना काफ़ी है। और ऑफकोर्स ग्रैडल, अगर आप खुद नहीं इंस्टॉल करते तो ऑटोमेटिकली ग्रैडल खुद को इंस्टॉल कर देता है, और अगर ऐसा नहीं करना है तो मैं आपको प्रॉपर वे बताता हूँ ग्रैडल इंस्टॉल करने का। इससे ज़्यादा आपको कोई सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसमें भी लोग गूफ अप करते हैं। इसमें क्या गूफ अप होता है, एलटेल जावा ठीक से इंस्टॉल नहीं हुआ तो एंड्रॉयड स्टूडियो को ठीक से जावा होम नहीं मिलता है, इसके वजह से फिर वो वहाँ पे ब्रेक होगा। फिर कभी कभी ऐसा होता है कि आप APK बनाने की कोशिश करते हो तो APK ठीक से बन नहीं पाती। आप अगर डिवाइस के ऊपर उसे रन करना चाहते हो, जैसे मेरा ये एक मोबाइल है तो मैं इस मोबाइल के ऊपर अगर एप्लीकेशन को डीबग मोड में चलाना चाहता हूँ तो वो कई बार हो नहीं पाता। तो ये सारी जो दिक्कतें आती है आपको, ये आज वंस एंड फॉर ऑल हम रिजॉल्व कर लेते हैं। आधे घंटे का वीडियो होगा, आधे घंटे के अंदर मैं पूरी आपकी मशीन सेटअप करके दे दूंगा। आपको अगर रियल लाइफ में करना है तो हो सकता है चलो एक घंटा या डेढ़ घंटा ले लीजिए, लेकिन उससे ज़्यादा आपको टाइम नहीं लगना चाहिए। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। वैसे भी आपके हेल्प के लिए मैंने एक और मशीन सेटअप करके एक डॉक्यूमेंट बनाकर रखा हुआ है, तो इसकी ये URL है। ये मैंने GitHub के ऊपर डाल के रखा हुआ है, बिल्कुल ही पब्लिक रिपोजिटरी है, आप जाके देख सकते हो। दिस इज़ फॉर फिलेंथ्रोफी, लोगों के हेल्प करने के लिए बनाया हुआ है, तो कोई भी इस लिंक से इसे एक्सेस कर सकता है। इसमें मैंने बहुत डिटेल से, बहुत प्यार से बनाया हुआ है, एक एक स्टेप मैंने यहाँ पर लिखी हुई है, ठीक है। लेकिन एक्चुअल करते समय इससे भी कम टाइम लगता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हमें नोड इंस्टॉल करना पड़ेगा, सो लेट्स गो टू द ऑफिशियल वेबसाइट। और एक बार इंस्टॉल कर दिया तो उसके बाद में नोड दिस कमांड शुड बी रिकॉग्नाइज्ड। तो मैं पहले आपको बता दूं कि नोड इज़ नॉट गेटिंग रिकॉग्नाइज्ड। गो टू कमांड प्रॉम्प्ट नोड, देखिए नोड इज़ नॉट रिकॉग्नाइज्ड। नाउ आई विल इंस्टॉल इट। गो टू द वेबसाइट nodejs.org, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पे आप अगर विंडोज़ यूज़र हो तो ये बटन दबा दीजिए, तो ये खुद ही डिटरमाइन कर देगा कि आपकी 64-bit मशीन है या 32-bit मशीन है, और उसके अनुसार आपको सेटअप मिल जाएगा। जैसे इसने ऑलरेडी डिटरमाइन कर दिया है कि आई एम वर्किंग ऑन अ 64-bit विंडोज़ मशीन, सो ये माइक्रोसॉफ्ट इंस्टॉलर 64-bit के लिए मेरे लिए देगा। सो व्हेन आई क्लिक ऑन दिस, सी इट इज़ गोइंग टू डाउनलोड दैट। लेकिन लेट अस से कि आप एक विंडोज़ यूज़र हो और आपको मैक का सेटअप चाहिए, लेट अस से कि मुझे मैक OS का 64-bit का सेटअप चाहिए, तो इसके लिए आप इनमें से कोई बटन्स चूज़ कर सकते हो। जैसे मुझे मैक OS का 64-bit के लिए पैकेज फाइल चाहिए, या फिर टार फाइल चाहिए, या फिर लेट अस से कि मैं लिनक्स की एक बाइनरी लेना चाहता हूँ ARM प्रोसेसर के लिए, ठीक है, तो ये वाला चाहिए मुझे, एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये यू कैन यूज़ योर इंजीनियरिटी, और आप जैसा आपका रिक्वायरमेंट है वैसे आप सेटअप डाउनलोड कीजिए। बट फॉर मोस्ट ऑफ द यूजर्स आप एक तो ये बटन क्लिक करेंगे या ये बटन क्लिक करेंगे। ओके, सो आई हैव ऑलरेडी डाउनलोडेड दैट सेटअप, ऑल द सेटअप्स आर डाउनलोडेड ओवर हियर। सो मैं जस्ट इसे चलाकर आपको दिखा देता हूँ कि कैसे चलाना है। हम सभी के सभी डिफॉल्ट ऑप्शंस रख रहे हैं, मैंने कुछ भी मॉडिफाई नहीं किया। ओके, ओके, सो इट्स डन। अभी एक बार चेक कर लेते हैं कि नोड कमांड एक्सेप्ट हो रही है क्या। नोड कमांड तो अभी भी नहीं आ रही है। लेट मी रन दैट कमांड प्रॉम्प्ट वंस अगेन प्रॉपरली। या इट इज़ गेटिंग रिकॉग्नाइज्ड नाउ। तो उसे रिस्टार्ट करने की ज़रूरत पड़ी मुझे कमांड प्रॉम्प्ट, उसके बाद में वो चल गया। सी ठीक है, ये मुझे नोड का वर्जन भी बता देगा, node-v से माय नोड्स वर्जन इज 14.15.4। यही मेरे सेटअप के ऊपर भी उसने लिख कर दिया था, और यही यहाँ पे भी लिख के दिया था। ओके, सो दैट इज़ नोड।
सेकेंड थिंग इज गिट। गिट के लिए भी एक ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आप जाकर देख सकते हो। कन्फर्मेशन क्या है कि गिट हब और गिट बैश ये कंटेक्स्ट मेन्यू में दिखना चाहिए। वॉट इज कंटेक्स्ट मेन्यू बाय द वे? कोई भी फोल्डर में आप जब राइट क्लिक करते हो तो दिस इज कॉल्ड एज अ कंटेक्स्ट मेन्यू। यहाँ पे आपको गिट बैश और गिट जी यू आई के दो ऑप्शन नहीं दिख रहे हैं, राइट? जैसे ही मैं गिट इंस्टॉल कर लूंगा वैसे वो दो ऑप्शन दिखना आपको शुरू हो जाएंगे। सो लेट अस गो टू द ऑफिशियल वेबसाइट। अगेन द सेम ड्रिल, आपको बहुत सारे सेटअप्स देखने हैं तो ये बटन क्लिक कीजिए और उसके अंदर और भी सारे सेटअप्स दिखेंगे आपको। अगर नहीं तो जस्ट क्लिक ऑन दिस बटन, इट विल डिटरमाइन कि आपका कौन सा सिस्टम है और आपके लिए कौन सी। फॉर एग्जांपल मेरे पास 64-bit विंडोज़ है तो 64-bit exe मेरे पास आ चुकी है, दिस आई कैन डाउनलोड। ओके, ये भी सेटअप मैं ऑलरेडी रेडी रख चुका हूँ, सो आई जस्ट रन इट फॉर यू। ये वाला सेटअप थोड़ा सा ध्यान से आपको चलाना है क्योंकि इसमें एक इम्पॉर्टेंट सेटिंग आपको बदलनी है और वो है ये सेटिंग कि इसका डिफ़ॉल्ट एडिटर कौन सा होना चाहिए। तो देखिए डिफ़ॉल्ट एडिटर इसमें बाय डिफ़ॉल्ट आता है विम। तो विम क्या है? विम एक कमांड लाइन टर्मिनल में इसका एक एडिटर है। तो लेट अस से कि दो फाइल्स में डिफरेंस आपको देखना है, एक कमिट कर रहे हो आप तो उस फाइल में प्रीवियस एंड करंट का डिफरेंस देखना है, तो वो डिफरेंस आपको कमांड लाइन में दिखेगा तो आपको बहुत मुश्किल जाएगी। बिलीव मी इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू यूज़ विम एडिटर। प्लस इसमें अगर सेव एंड एग्जिट वगैरह करना है तो इसके लिए कीबोर्ड शॉर्टकट्स है तो वो भी आपको याद रखने पड़ेंगे। तो कमांड लाइन इंटरफेस मैं हमेशा अवॉइड करने की कोशिश करता हूँ। सो इंस्टेड ऑफ विम आई कैन चूज एनी ऑफ द अदर एडिटर्स। सो लेट अस चूज लाइक नोटपैड प्लस प्लस, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी मैंने इंस्टॉल करके रखा हुआ है तो आई कैन चूज नोटपैड प्लस प्लस। इफ़ यू चूज एन एडिटर दैट इज़ नॉट इंस्टॉल्ड ऑन योर सिस्टम देन ये नेक्स्ट बटन एनेबल नहीं होगा जब तक आप इसके वेबसाइट पे जाकर इसे इंस्टॉल नहीं कर लेते, तब तक ये नेक्स्ट का बटन एनेबल नहीं होगा। ओके, सो आई डोंट वांट टू इंस्टॉल इट राइट नाउ। मैं अभी के लिए सिर्फ नोटपैड प्लस प्लस लेकर आगे चलना चाहता हूँ। बाकी के सारे ऑप्शंस जैसे हैं वैसे आप रखिए। ओके, सो गिट ऑलमोस्ट इंस्टॉल हो गया है। इंस्टॉल होने के बाद में कन्फर्मेशन क्या है आपका कि यहाँ पे राइट क्लिक करने के बाद में गिट बैश और गिट जी यू आई आना चाहिए। ओके, सो लेट्स सी। ओके, तो ये व्यू रिलीज नोट्स मुझे नहीं करने, आई विल जस्ट फिनिश इट एंड आई विल राइट क्लिक नाउ। देखिए ये गिट बैश और गिट जी यू आई। गिट बैश ये कमांड लाइन टर्मिनल का एप्लीकेशन है, यानी इट इज़ अ कमांड लाइन एप्लीकेशन यूज टू एक्सेस गिट एंड दिस इज़ अ जी यू आई बेस्ड एप्लीकेशन यूज टू एक्सेस गिट। ओके, इसके बारे में और डिटेल्स जानने हैं तो मैंने ये वाले वीडियो में बहुत डिटेल में इसके बारे में समझाया है। ओके, नाउ थर्ड थिंग इज वी नीड टू इंस्टॉल विजुअल स्टूडियो कोड। तो विजुअल स्टूडियो कोड के लिए ये ऑफिशियल वेबसाइट है, आई जस्ट गो टू इट। अगेन मल्टीपल बटन्स मैं ऑलरेडी आपको समझा चुका हूँ कि अगर लेट से यू आर अ विंडोज़ यूज़र एंड यू वांट डेबियन लिनक्स 64-bit देन यू कैन क्लिक दिस बटन। अदरवाइज फॉर नॉर्मल यूजर्स यू कैन जस्ट क्लिक दीज बटन्स, बिगर बटन्स। तो डाउनलोड सेटअप यही 64-bit वाला exe डाउनलोड हो रहा है, मैंने ऑलरेडी सेटअप डाउनलोड कर रखा है। सो आई जस्ट रन दिस सेटअप। इसमें आपको कुछ भी मॉडिफाई नहीं करना है, सेटअप बहुत छोटा है और बहुत ही जल्दी ये चल जाता है। बाय द वे अगर लास्ट स्क्रीन पे आपने देखा होगा तो पाथ वेरिएबल भी ये खुद ही सेट कर देता है विद इन द सेटअप। तो इसके वजह से फ़ायदा क्या होता है, आई विल टेल यू व्हाट। यहाँ पे अगर आपको लेट्स से किसी भी प्लेस पे आप ऐसे कहो कोड एंड डॉट तो विजुअल स्टूडियो कोड आईडी इस फोल्डर में ओपन हो जाएगा, यानी ये जो भी आपका फोल्डर होगा इसमें विजुअल स्टूडियो कोड आईडी ओपन हो जाएगा। तो इसे code.exe ये कहाँ से मिल गया, क्योंकि इसने पाथ वेरिएबल जो है आपका एनवायरनमेंट वेरिएबल है उसमें कोड को वो सेट कर देता है, तो दैट इज़ व्हाई इट इज़ एक्सेसिबल फ्रॉम एनी फोल्डर अक्रॉस योर सिस्टम। ठीक है, तो लेट अस सी कोड और डॉट। डॉट का मतलब कि विजुअल स्टूडियो कोड में ये करंट फोल्डर ही आपको ओपन करना है। ओके, सो आई विल जस्ट हिट एंटर। अरे हाँ, इसे मुझे बंद और चालू करना होता है, आई जस्ट फॉरगेट दिस। या नाउ कोड डॉट। तो देखिए ये फोल्डर आपका जो भी अमित शेरासा फोल्डर था, मेरा यूज़र नेम वाला फोल्डर था, ये आपके विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन हो गया। दूसरा इसका फ़ायदा ऐसा है दोस्तों कि ये आईडी बहुत ज़्यादा आपकी स्टेट रिमेंबर करता है। लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैंने ये बैश हिस्ट्री या फिर एंगुलर कॉन्फ़िग जेसन
को ओपन किया है और ये बहुत लंबी चौड़ी फाइल है लेटर से, और मैंने इसे स्क्रॉल करके बिल्कुल बॉटम पे लेकर आया हूँ। 44 लाइन नंबर स्क्रीन के मिडल में आ रही है, इस तरीके से मैंने ओपन किया। और दूसरी भी एक दो फाइल्स मैंने ओपन कर ली, जैसे ये दो फाइल्स ओपन कर ली, और फाइनली फोकस मेरा इस फाइल में है और लाइन नंबर इसका 44 सेंटर ऑफ द स्क्रीन पे है, ऐसा मैंने स्क्रॉल करके रखा हुआ है। और ये भी मैंने थोड़ा सा स्क्रॉल करके ऐसे रखा हुआ है कि एंगुलर कॉन्फिग ये इस लेवल पे आता है। ओके, नाउ आई एम जस्ट क्लोजिंग इट एंड आई एम ओपनिंग द विजुअल स्टूडियो कोड वंस अगेन। तो आप देखेंगे कि ये पूरा का पूरा स्टेट मेंटेन करके चलता है। देखिए, इसका स्क्रॉल लोकेशन उसे याद रहा, बाद में ये तीन फाइल्स ओपन थी, बाद में ये वाले फाइल फोकस में थी, और इसमें भी मैंने इस टाइप से स्क्रॉल करके रखा था ताकि ये लाइन सेंटर ऑफ द स्क्रीन पे आए। तो ये सारी चीज़ें वो याद रखता है, इसलिए मैंने आपको रेकमेंड किया कि आप विजुअल स्टूडियो कोड आईडी यूज़ कीजिए। प्लस इट इज़ वेरी लाइट वेट, आईडी ओपन करना और क्लोज करने में बिल्कुल भी टाइम नहीं आपका खर्च होता है। देखिए, इट डजंट इवन टेक अ सेकेंड टू लोड। तो इसलिए मैंने ये आईडी आपको सजेस्ट की है। ओके, नाउ लेट इस गो अहेड। दो तीन चीज़ें तो हो गई हमारी। ओके, नाउ इंस्टॉलिंग जावा। तो इंस्टॉलिंग जावा का क्या मतलब होता है दोस्तों? जावा में दो चीज़ें होती है, एक होता है जावा रन टाइम एनवायरनमेंट और एक दूसरा होता है जावा डेवलपमेंट किट। जावा रन टाइम एनवायरनमेंट यानी आपका जो बाइट कोड है वो कंपाइल करके या इंटरप्रेट करके आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को समझाना, ये काम करता है आपका रन टाइम, ठीक है। और जावा डेवलपमेंट किट यानी इसमें जावा कमांड आ जाती है, यानी जावा का कंपाइलर आ जाता है, यानी जावा लैंग्वेज को यूज़ करके अगर कोई भी प्रोग्राम आप बनाओगे तो उसे कंपाइल करके बाइट कोड तक पहुंचाना, ये काम करता है JDK। और आपको बाकी बहुत सारे यानी उसमें थोड़े यूटिलिटीज़ होते हैं ताकि आप बहुत आसानी से आपके जावा के प्रोग्राम्स बना सको, ठीक है। तो ये होता है JDK। JDK क्या करेगा? इट विल कंपाइल योर प्रोग्राम टू बाइट कोड। और JRE क्या करेगा कि बाइट कोड को लाइन बाय लाइन इंटरप्रेट करेगा और आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को बताएगा कि एग्जैक्टली क्या करना है, ठीक है। तो इसका फ़ायदा ऐसा है दोस्तों कि JRE आप अलग अलग सिस्टम के हिसाब से अलग अलग बना सकते हो, यानी प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक JRE आप बना सकते हो, और बाइट कोड आपका सेम बाइट कोड आप हर जगह पे इस्तेमाल कर सकते हो, राइट। क्योंकि हर एक JRE को, लेट अस से विंडोज़ के लिए जो JRE बनी होगी उसे भी बाइट कोड समझ में आता है, लिनक्स के लिए जो JRE बनी होगी उसे भी बाइट कोड समझ में आता है, राइट। तो आप जावा लैंग्वेज में लिखा हुआ कोई भी प्रोग्राम किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर चला सकते हो, और इसी को कहते हैं बीइंग प्लेटफॉर्म एग्नोस्टिक। तो जावा इज़ अ प्लेटफॉर्म एग्नोस्टिक लैंग्वेज, वाई? बिकॉज ऑफ दिस बाइट कोड वाला कंसेप्ट, कि वो जावा कंपाइलर क्या करते हैं, सिर्फ बाइट कोड बनाते हैं, बाद में अलग अलग JREs के ऊपर ये बाइट कोड अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट किया जा सकता है, यानी विंडोज़ को विंडोज़ के भाषा में JRE समझाएगा और लिनक्स का JRE लिनक्स के भाषा में उसे समझा देगा कि बाइट कोड में क्या लिखा है। ओके, सो यू विल बी अमेज्ड टू नो कि जावा एक ऐसी लैंग्वेज है जो बहुत सालों तक, एक तो चली है, 15 साल हो गए जावा को, और दूसरी बात कि जावा इतनी प्लेटफॉर्म एग्नोस्टिक है कि मार्स रोवर में भी जावा का प्रोग्राम चला था, ATM के मशीन्स में भी जावा का प्रोग्राम चलता है, कई सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स भी जावा में लिखे गए थे मोबाइल्स के लिए। तो कई सारे मोबाइल्स के ऑपरेटिंग सिस्टम भी जावा के फ़ोन आते थे पहले, जो जावा के ऑपरेटिंग सिस्टम पे चलते थे। सो जावा इज़ वेरी वेरी प्लेटफॉर्म एग्नोस्टिक। अगर जावा से ज़्यादा प्लेटफॉर्म एग्नोस्टिक कोई है तो Node.js आने के बाद में अभी JavaScript इज़ प्लेटफॉर्म एग्नोस्टिक, क्योंकि JavaScript का भी यही फंडा था, JavaScript को समझाने के लिए बेसिकली ब्राउज़र में, हर एक ब्राउज़र में एक JavaScript का कंपाइलर हुआ करता था, जैसे क्रोम में V8 इंजन है, माइक्रोसॉफ्ट के सभी ब्राउजर्स में चक्रा इंजन होता है, और फायरफॉक्स में स्पाइडर मंकी होता है। इसीलिए देखिए JavaScript का कोड ना अलग अलग ब्राउज़र में थोड़ा थोड़ा अलग चलता है, कुछ चीज़ें सपोर्ट होती है, कुछ चीज़ें नहीं होती है, क्योंकि इनके JavaScript के कंपाइलर्स अलग अलग होते हैं। कंपाइलर नहीं कहना चाहिए, इंटरप्रेटर कहना चाहिए। तो दीज आर डिफरेंट, एक्चुअली लोग कंपाइलर इंटरप्रेटर भी नहीं कहते, दिस इज JavaScript इंजन्स। सो JavaScript इंजन हर एक ब्राउज़र के अलग अलग होते हैं। अब Node.js का ऐसा फंडा है दोस्तों कि अगर लेट से कि मुझे JavaScript का कोड ब्राउज़र के बाहर चलाना है, मेरे विंडोज़ के मशीन में चलाना है, तो विंडोज़ को समझने लायक वो कोड होना चाहिए। तो मेरा जो V8 इंजन है उसके ऊपर अगर मैं एक रैपर बना दूं जो कि C++ में लिखा हुआ है, क्योंकि C++ ये लैंग्वेज में नॉर्मली विंडोज़ का जितना भी प्रोग्रामिंग होता है वो C++ में होता है,
ठीक है। इवन जो iOS का भी है वो भी ऑब्जेक्टिव सी में ही होता है, अभी स्विफ्ट लैंग्वेज आ गई वो बात अलग है, लेकिन सी एक बहुत ही यानी ऐसी लैंग्वेज है जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम्स नॉर्मली डील करती है, ठीक है। तो एक बंदे ने क्या किया कि V8 इंजन ले लिया उसने क्रोम ब्राउज़र में से और उसके ऊपर एक रैपर बना दिया विच वॉज कॉल्ड एज नोड JS, इट वॉज रिटन इन C++। तो ये क्या करेगा, इट वॉज लाइक अ रन टाइम, ठीक है। ये क्या करेगा कि बिल्कुल जैसे JRE काम करता है ना, बिल्कुल वैसे ही ये जो भी आपकी JavaScript का कोड है वो ऑपरेटिंग सिस्टम को समझाएगा लाइन बाय लाइन। तो ये एक रन टाइम की तरह काम करने लगा, एंड दिस इज कॉल्ड एज नोड JS। इसलिए नोड JS आने के बाद आप JavaScript का कोड सर्विस साइड कोडिंग के लिए भी काम कर सकते हो, यानी आपके विंडोज़ मशीन के ऊपर भी जावास्क्रिप्ट का कोड चलने लग गया, एंड दैट इज़ वाई सर्वर साइड कोडिंग जावास्क्रिप्ट में स्टार्ट हुई जब नोड JS आया था। ओके, सो आई एम जस्ट गिविंग यू एन आइडिया कि हमने अभी अभी क्या क्या इंस्टॉल किया। हमने नोड JS, गेट और विजुअल स्टूडियो कोड IDE इंस्टॉल किया था। अभी जावा में जैसे कि मैंने कहा कि JRE और JDK होता है, तो हमें JDK इंस्टॉल करना है ताकि JRE ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएगा। एक छोटा सा इसमें कैच ऐसा है कि कोर्डोबा एक्चुअली अभी कोई नहीं यूज़ करता, कोर्डोबा 2018 के एंड में ही आ चुका था कैपेसिटर, तो उसके बाद में कोर्डोबा थोड़ा सा बैकडेट हो गया, तो बैकडेट इन द सेंस थोड़ा सा रिडंडेंट हो गया, वो क्या कहते हैं डेप्रिकेटेड हो गया। तो अभी आयोनिक भी कहता है कि आप कैपेसिटर ही यूज़ कीजिए, तो 2019 से कम हर कोई कैपेसिटर ही यूज़ करता है। बहुत ही ऐसे पुराने प्रोजेक्ट्स अगर कोई होंगे तो वो कोर्डोबा पे स्टकअप है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि कोर्डोबा और कैपेसिटर के सिंटैक्स में कोई भी फ़र्क नहीं है, सिर्फ कोर्डोबा जहाँ लिखते हो वहाँ पे कैपेसिटर या CAP लिखना है, दैट्स इट। तो इसलिए बहुत सारे प्रोजेक्ट्स मूव ऑन हो गए। लेकिन फिर भी अगर आपका ऐसा प्रोजेक्ट है जो कोर्डोबा यूज़ करता है, तो फिर JRE यानी ही JDK का वर्जन आपको 1.8.0_271 ही इस्तेमाल करना है। क्यों? क्योंकि कोर्डोबा इनोवेट होना बंद हो गया था 2018 के एंड में, ठीक है। तो कोर्डोबा पे कोई काम नहीं कर रहा है अभी। जैसे JRE अलग अलग नए वर्जन्स के आ रहे हैं, तो वैसा कोर्डोबा उन नए वर्जन्स के साथ ठीक से नहीं काम कर पाता। तो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं बताता हूँ कि आप अगर कोर्डोबा यूज़ कर रहे हो तो आपने JDK का वर्जन 1.8 ही रखना है, और वो भी _271 अगर आप रख सके हो तो और भी अच्छी बात है। मैंने ऑफिशियल वेबसाइट दे दी है, यहाँ पे आप वो डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ पे आप डाउनलोड कर सकते हो ये सारे के सारे। एक्चुअली दिस इज़ 1.8 ओनली। एक मैं इसके वर्जनिंग का बता दूँ जावा का। जावा में जब भी वर्जन देना होता है तो दिस इज़ कॉल्ड एज JDK 8। ओके, दे डू नॉट से कि JDK 1.8, दे से JDK 8, ओके, या JRE 8, दे डू नॉट से JRE 1.8, ठीक है। तो इसलिए आप यहाँ पे देख पाओगे कि JDK 8, तो इट इज़ एक्चुअली 1.8, और यहाँ पे _217 जो है ना उसके जगह पे U लिखते हैं ये लोग, ठीक है। तो इट इज़ द सेम, ये मैंने जो वर्जन दिया है बिल्कुल वही वर्जन है। आप बिंदास इस लिंक के ऊपर जाइए, मैंने ये लिंक यहाँ पे देकर रखी है, तो इस लिंक के ऊपर जाइए और आपके सिस्टम के अनुसार यहाँ पे आप देख सकते हो विंडोज़ 64-bit है, तो फिर यहाँ पे आपको ये एक सी डाउनलोड करनी है, ओके। और इसके अलावा अगर आप कैपेसिटर यूज़ कर रहे हो तो फिर बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, जो भी लेटेस्ट जावा का वर्जन है वो आप इंस्टॉल कर सकते हो। तो लेट अस से कि आप बिल्कुल लेटेस्ट इंस्टॉल करना चाहते हो, तो ये आप सीधे सीधे जाइए डाउनलोड जावा, तो आई थिंक java.com, ओके, दिस इज़ गुड इनफ, java.com, या मेरे ख्याल से Oracle का ज़्यादा करेक्ट रहेगा, यहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए, ओके, क्योंकि जावा इज़ नाउ ओन्ड बाय Oracle, ओके। और ये JDK डाउनलोड, यहाँ पे आप देख सकते हो मेरी ऑपरेटिंग सिस्टम है 64-bit, तो मैं देखिए JDK 8 मैं बोल रहा था कोर्डोबा के लिए, अभी 15 तक आ चुका है, तो मैं 15 लेता हूँ अभी और इसे मैं इंस्टॉल करता हूँ। ये आपको सबसे पहले तो लॉगिन करके मांगेगा, आई हैव लॉग्ड इन आई गेस, एक मिनट लेट मी चेक, आई एम नॉट श्योर, मैं लॉगिन नहीं हुआ, लेकिन लॉगिन ये मांगता है, सो नॉर्मली यू विल बी आस्क्ड टू लॉग इन बिफोर इट अलाउज यू टू डाउनलोड। तो लेट मी जस्ट डाउनलोड दिस गाय, ओके, तो ये डाउनलोड हो चुका है। नाउ आई विल जस्ट ओपन दिस zip फाइल। इसमें आप देखेंगे कि JDK 15 का फोल्डर बना हुआ है एंड ऑल ऑफ दिस। सो व्हाट आई कैन डू इज आई कैन जस्ट कीप इट समवेयर इन माय सिस्टम। तो मैं नॉर्मली कहाँ रखता हूँ, आई विल टेल यू, मैं नॉर्मली इसे रखता हूँ C:\,
प्रोग्राम फाइल्स और यहाँ पे जावा नाम का एक फोल्डर बना देता हूँ मैं। ओके सो लेट मी मेक अ फोल्डर बाय नेम जावा और इस जावा में मैं पेस्ट कर दूंगा इस JDK 15.0.2 को। ओके सो वंस दिस इज डन अभी ये पाथ आप कॉपी कर लीजिए और ये आपको एनवायरनमेंट वेरिएबल्स में सेट करना है। सो लेट्स गो टू एनवायरनमेंट वेरिएबल्स, गो ओवर हियर। अभी ये जावा होम का पाथ आप एक तो यूजर वेरिएबल्स में भी लिख सकते हो या फिर सिस्टम वेरिएबल्स। तो दीज आर द वेरिएबल्स दैट आर स्पेसिफिक टू यू एज अ यूज़र, यानी ये जो भी यूज़र होगा अभी अमित शिरासा यानी मेरा नाम है तो ये मेरा यूज़र है, तो मेरे यूज़र के स्पेसिफिक वेरिएबल्स यहाँ पे रहेंगे। और अगर आपको सिस्टम वाइड वेरिएबल्स बनाने हैं जो कि इस मशीन पे जितने भी यूज़र्स हैं उन सबको अप्लाई करेंगे तो आपको सिस्टम वेरिएबल्स में लिखना है। तो नॉर्मली आई गो विद द फिलोसॉफी कि मेरे जितने भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड्स होते हैं तो वो उनके जो एनवायरनमेंट वेरिएबल्स होते हैं वो मैं यूज़र वेरिएबल्स में डालता हूँ। आई डू नॉट पुट इट इन द सिस्टम वेरिएबल्स। ओके सो यहाँ पे मैं डालना चाहता हूँ, जस्ट क्लिक न्यू एंड पुट हियर जावा होम और यहाँ पे ये एड्रेस आप पेस्ट कर दीजिए, इस वाले फोल्डर का एड्रेस। ओके आपने प्रोग्राम फाइल्स में जावा नाम का फोल्डर बनाया था और उसमें JDK आपने जो भी जिप मिली थी आपको वो डाल दी है। ओके दिस इज़ योर जावा होम नाउ। ये डालने के बाद ओके कीजिए। मैं एनवायरनमेंट वेरिएबल्स में एक और चीज़ कर देता हूँ एंड विच इज़ बाय द वे ये जो पाथ है, पाथ में आपने एक और एंट्री डालनी चाहिए जावा होम बिन। तो ये क्या है दोस्तों, जावा होम मींस बेसिकली यहाँ पे जो भी आपने पाथ दिया है जावा होम का वो पाथ आपको दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है, दोबारा C:: प्रोग्राम फाइल्स जावा JDK 15 ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। जावा होम यानी वो समझ जाएगा कि जावा होम का जो भी वैल्यू है वो एंड इट विल बी फॉलोड बाय \bin। तो एक बार ये दे दीजिए, ओके कीजिए और इसके बाद में एक बार और कमांड लाइन टर्मिनल में आप ट्राई कीजिए। जावैक अब ये चलने लगा है। ठीक है, अगर फिर भी ना चले तो एक बार एनवायरनमेंट वेरिएबल्स आपने मॉडिफाई किया इसलिए आपको एक बार लॉग ऑफ और लॉगिन करना चाहिए, लेकिन मेरा ये चल गया तो मैं लॉग ऑफ और लॉगिन नहीं करता हूँ। ओके तो ये क्यों चल गया, आई टेल यू व्हाई। क्योंकि इसके बाइनरी में, इसके बिन फोल्डर में यहाँ पे javac.exe है। ओके java.exe भी यहीं पर है और javac.exe भी यहीं पर है, देखिए javac.exe। इसलिए जावा के कमांड्स आपको अगर रीड करना है तो पाथ वेरिएबल में यहाँ तक का पाथ तो आना ही चाहिए। ठीक है, किसी भी एनवायरनमेंट वेरिएबल में। थोड़ा सा और एक्सपेरिमेंट करके मैं दिखा देता हूँ आपको एनवायरनमेंट वेरिएबल्स। ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि ये सबसे इजी काम है, लेकिन यहीं पे लोग फंसते हैं। जावा का अगर ठीक से आपने सेटअप नहीं किया ना तो ऊपर की सारी चीज़ें ठीक से इंस्टॉल नहीं होगी। ओके अब लेट अस से कि मैंने जावा होम को ही बाइनरी तक दे दिया और पाथ वेरिएबल में मैंने ये नहीं दिया। ओके सो दैट इज़ ऑल्सो वे, अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से करते हैं, बस ये बाइनरी तक का पाथ आना चाहिए किसी भी तरीके से, एक तो पाथ में डालिए या फिर जावा होम करके एक सेपरेट वेरिएबल में डालिए, इट्स अप टू यू। तो चलिए देखते हैं। जावा नहीं चल रहा है, जावैक नहीं चल रहा है। ठीक है, सो दैट इज़ हाउ इट इज़। तो इसलिए दिस वॉज जस्ट एन एक्सपेरिमेंट, मैं खुद भी एक्सपेरिमेंट करना चाहता था। ये रिकमेंडेड प्रैक्टिस, कई सारे लोग यही कहते हैं कि आपको ये बिन यहाँ नहीं देना है। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे बहुत लोग मिस्टेक करते हैं, मैंने खुद भी बहुत बार किया है, इसलिए ये पॉइंट लेना ज़रूरी है। ओके सो दिस विल वर्क फाइन। आपको जावा होम में सिर्फ JDK तक का पाथ देना है और पाथ वेरिएबल में बिन तक का पाथ देना है। ओके अब ये जावा होम एवरीबडी इज़ गोइंग टू यूज़ इट, इवन आपका आपका एंड्रॉयड स्टूडियो भी इसे यूज़ करेगा, सो यू शुड नॉट मेक अ मिस्टेक हियर। देखिए जावा इज़ गेटिंग रिकग्नाइज्ड एंड जावैक इज़ ऑल्सो गेटिंग रिकग्नाइज्ड। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ
हाँ चलिए, ये जावा हो गया अपना कंप्लीट। कंफर्मेशन के लिए आपको जावा वर्जन ये कमांड चला कर देखनी है, तो यू विल गेट द वर्जन, आई विल गेट द वर्जन 1.15 पॉइंट समथिंग। ओके, अभी इंस्टॉलिंग द एंड्रॉयड SDK। तो सबसे पहले तो एंड्रॉयड स्टूडियो आपको कहाँ से इंस्टॉल करना है, इंस्टॉल एंड्रॉयड स्टूडियो developer.android.com स्टूडियो इंस्टॉल। ओके, यहाँ से आपको डाउनलोड करना है। डाउनलोड का बटन बहुत बड़ा है, सो यू वोंट मिस इट एनीवेज। डाउनलोड द लेटेस्ट वर्जन ऑफ एंड्रॉइड स्टूडियो। ओके, एंड दिस इज दैट डाउनलोड बटन। ओके, टर्म्स एंड कंडीशंस एक्सेप्ट कर लीजिए, डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, तो ये डाउनलोड शुरू हो जाएगा इस तरीके से। लेकिन मैंने ऑलरेडी, ये बहुत बड़ा सेटअप है इसलिए मैंने इसका डाउनलोड करके रखा हुआ था। सो दिस इज़ माई एंड्रॉयड स्टूडियो। इंस्टॉलेशन को ज़्यादा टाइम नहीं लेगा, लेकिन डाउनलोड करने में वो बहुत टाइम लेगा। ये एक पुरानी आईडी है इसलिए थोड़ा सा बल्की तो होना लाजमी है, क्योंकि जो पुरानी आईडीज थी वो काफ़ी बल्की थी। इसमें कुछ भी मॉडिफाई नहीं करना है। बाय द वे, जो नई आईडीज आई है जैसे विजुअल स्टूडियो कोड, तो ये बहुत ही फास्ट है। आप एटम देख लीजिए, विंडस्टॉर्म देख लीजिए, बहुत ही फास्ट है। इंस्टॉलेशन, अनइंस्टॉलेशन, ओपन होना, स्टेट सेव करना, ये बहुत फास्ट है। काम करते हुए भी बिल्कुल फेदर टच लगता है आपको, बिल्कुल भी हैंग नहीं होगी वो आईडी किसी भी तरीके से। लेकिन जो पुरानी आईडीज है वो थोड़ा सा बल्कि तो होती है। तो ये एंड्रॉयड स्टूडियो थोड़ा सा पुराना है, यानी करीब आप मान लीजिए कि 8-10 साल पुराना है, इसलिए ये थोड़ा सा बल्कि होना तो बनता है। ठीक है, आई विल जस्ट स्टार्ट इट। देखिए ये इतना भी हैवी नहीं है, स्टार्ट बहुत जल्दी लेता है। देखिए ये स्टार्ट हुआ। जैसे ही ये स्टार्ट हुआ ना, सबसे पहले आपको कॉन्फिगर में जाना है, यहाँ पे SDK मैनेजर में जाना है। ठीक है, मैं दोबारा एक बार बता दूँ, आपको कॉन्फिगर में जाना है, फिर SDK मैनेजर में जाना है। ओके, यहाँ जैसे ही आप जाते हो, आपको यहाँ पे एंड्रॉयड SDK में आप लैंड अप करोगे और यहाँ पे एंड्रॉयड SDK की लोकेशन आपको मिलेगी। दिस इज़ कॉल्ड एज योर एंड्रॉयड होम। जैसे हमने अभी जावा होम बनाया ना, वैसे ये है एंड्रॉयड होम। तो इसे जस्ट कॉपी कर लीजिए और आप दोबारा एनवायरनमेंट वेरिएबल्स में जाइए, दोबारा यूज़र वाले वेरिएबल्स में, जैसे जावा होम बनाया है वैसे ही आपको यहाँ पे एंड्रॉयड होम बनाना है और ये पाथ आप पेस्ट कर दीजिए। ओके, दैट्स इट। ओके, सो दिस इज सेट एंड दैट्स डन। ये हो गया आपके एंड्रॉयड स्टूडियो का सेटअप। ओके, नाउ लेट्स गो अहेड। और क्या सेटअप करना है भाई, ये हो गया। ओके, देन इंस्टॉलिंग ग्रैडल। तो ग्रैडल क्या होता है दोस्तों? ग्रैडल इज बेसिकली द बिल्ड डीमन ऑफ एंड्रॉयड स्टूडियो। यानी एंड्रॉयड स्टूडियो में या फिर एंड्रॉयड का कोई भी एप्लीकेशन अगर आप बनाओगे तो उसे बिल्ड करने के लिए एक बिल्ड डीमन लगता है। अब इतना डीमन वगैरह की क्या ज़रूरत है उन्हें, क्योंकि देखिए बिल्ड करते समय ना आपको सबसे पहले डिपेंडेंसीज बिल्ड करनी होती है, फिर उसके बाद में उसके ऊपर वाला, यानी जो सबसे नीचे वाली डिपेंडेंसी है ना वो सबसे पहले बिल्ड करनी है, उसके बाद में उसके ऊपर वाली डिपेंडेंसी, फिर उसके ऊपर वाली, और बाद में फाइनली आपका प्रोजेक्ट बिल्ड होता है। तो ये सब कुछ करने के लिए ना एंड्रॉयड के दुनिया में ग्रैडल नाम का एक डीमन, बिल्ड डीमन यूज़ किया जाता है। ओके, सो हाउ टू इंस्टॉल इट, ये ऑफिशियल वेबसाइट, इसके ऊपर चले जाइए। यहाँ पे प्री रिक्विजिट्स भी आप पढ़ सकते हो कि आपको जावा का वर्जन, कम से कम जावा 8 होना चाहिए आपके पास, वगैरह वगैरह। बाकी की ऐसी चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ये देखिए डाउनलोड द लेटेस्ट वर्जन, तो ये डाउनलोड के ऊपर आप क्लिक कर लीजिए। यहाँ पे आपको अलग अलग रिलीजेस मिलेंगे, जो भी लेटेस्ट वाली रिलीज़ होगी वो आप डाउनलोड कर सकते हो। अब एक तो आप बाइनरी डाउनलोड कर लीजिए या फिर कंप्लीट डाउनलोड कीजिए। कंप्लीट करोगे तो उसमें फिर ट्यूटोरियल, मैनुअल और बाकी सारे टेम्पलेट वगैरह, बाकी बहुत सारी अलग अलग चीज़ें आएगी। टेम्पलेट तो खैर नहीं होते इसमें, लेकिन मैनुअल्स आएंगे, डॉक्स आएंगे वगैरह, कुछ रेफरेंस नोट्स वगैरह, सारी चीज़ें होंगी। लेकिन नॉर्मली देखिए, टू बी ऑनेस्ट, मैं कभी भी ग्रैडल के डेवलपर नोट्स नहीं पढ़ता हूँ यार, क्या ज़रूरत है, वो एक बिल्ड डेमन है यार, इससे ज़्यादा क्या है। तो मैं नॉर्मली सिर्फ बाइनरी डाउनलोड कर लेता हूँ। मैंने एक बाइनरी डाउनलोड करके रखी हुई है, दिस इज़ माई ग्रैडल बाइनरी। तो इसे मैं सिर्फ क्या करता हूँ, एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ किसी एक प्रॉपर जगह पर। तो जैसे हमने जावा को C: प्रोग्राम फाइल्स में रखा था ना, वैसे ही बिल्कुल इसे भी हम लोग C: प्रोग्राम फाइल्स में एक फोल्डर बना देंगे। जैसे हमने जावा का फोल्डर बनाया, वैसे हम
ग्रैडल के लिए एक फोल्डर बना देते हैं। ठीक है, नॉर्मली फोल्डर होता है और फोल्डर के अंदर फिर कौन से वर्जन का है, तो ग्रैडल 681 है ना। तो ये इस तरीके से ये नॉमेनक्लेचर होता है, नॉर्मली हर कोई ऐसे ही करता है भाई। जावा में भी ना लोग अगर दो अलग अलग वर्जन्स ऑफ जावा रखना चाहते हैं तो लोग ऐसा करते हैं कि JDK 15, JDK अब आगे चल के 16 आएगा तो 16 यहाँ पे रखेंगे ऐसा। और बाद में वो क्या करते हैं कि एनवायरनमेंट वेरिएबल्स में जो पाथ वेरिएबल है आपका जावा होम, उसे से मॉडिफाई करके 15 के जगह पे 16 का पाथ दे देते हैं। ठीक है, तो उनके पास ये हमेशा रहता है कि इफ़ एट ऑल दे एवर हैव टू गो बैक टू द अर्लियर वर्जन, सिर्फ एनवायरनमेंट वेरिएबल आपको चेंज करने की ज़रूरत है। तो ये एक नॉर्मल एक एटिकेट है डेवलपमेंट में, आपको रखना है तो कीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। बड़ी कंपनियों में देखिए आपके स्किल से ज़्यादा आपके एटिकेट ही देखे जाते हैं, तो ये सब चीज़ें ना बड़ी कंपनियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होनी चाहिए। ठीक है जी, चलो आ गया, इट विल टेक अ बिट। ग्रैडल छोटा सॉफ्टवेयर नहीं है भाई, ये एंड्रॉयड स्टूडियो देखिएगा आप, एंड्रॉयड स्टूडियो भी बहुत बल्कि सॉफ्टवेयर है भाई, सिर्फ वो काम बहुत अच्छे से करता हूँ। जैसे विजुअल स्टूडियो था, ये भी IDE बहुत बल्कि था, इक्लिप्स जावा के वर्ल्ड में बहुत बल्कि IDE थे, क्योंकि ये दोनों बहुत पुराने IDEs हैं। वैसे ही जो नए IDEs है जैसे विजुअल स्टूडियो कोड, विंस्ट्रॉम या एटम, ये बहुत ही छोटे और लाइट वेट होते हैं, इनमें बहुत कम फंक्शनैलिटी होती है। जो फंक्शनैलिटी आपको चाहिए ये प्लग इन या एक्सटेंशन के रूप में आपको लेनी पड़ती है। ठीक है, तो ये बहुत ही प्लग एंड प्ले वाले, प्लगेबल, एक्सटेंसिबल इस टाइप के और लाइट वेट IDEs होते हैं। लेकिन एंड्रॉयड स्टूडियो ये थोड़ा सा इन दोनों के बीच में है, ये उस समय नया था जिस समय ये आया, और ये काफ़ी हद तक लाइट वेट था एज़ कम्पेयर टू विजुअल स्टूडियो एंड इक्लिप्स। लेकिन आज के ज़माने के IDEs के कंपैरिजन में अभी भी थोड़ा सा बल्की है, इसका ग्रैडल भी काफ़ी हद तक बल्की है। ठीक है, नाउ जस्ट कंपेयर इट विद विजुअल स्टूडियो कोड, आप जब काम करोगे आपको बहुत बहुत अच्छी फीलिंग आएगी जब भी आप VS कोड यूज़ करोगे। चलिए, ये सेटअप चलते रहता है तब मैं कोई ना कोई चीज़ें बोलते रहता हूँ ताकि उतना टाइम आपका वेस्ट ना हो। चलिए, तब तक थोड़ा सा सेटअप डॉक्यूमेंट आगे देखते हैं, हमें और क्या करना है। तो इंस्टॉल ग्रैडल, उसके बाद आपको ये ही ग्रैडल होम आपको बिल्कुल वैसे ही सेट करना है जैसे आपने जावा होम को सेट किया था। उसके बाद देखिए इंस्टॉल आयनिक CLI, तो ये आप कैसे करेंगे, ये कमांड रन करके। ठीक है, ओके, चलिए ग्रैडल आ चुका है। तो अभी ये वाला जो पाथ है ना दोस्तों, बिल्कुल जावा जैसे किया, बिल्कुल इसका भी पाथ कॉपी करना है, एनवायरनमेंट वेरिएबल्स ओपन करने हैं और यूज़र वाले वेरिएबल्स में जैसे जावा होम और एंड्रॉयड होम बनाया है, बिल्कुल वैसे ही आपको ग्रैडल होम बनाना है और यहाँ तक का पाथ दे देना है। और वैसे ही बिल्कुल पाथ वेरिएबल में जाके जैसे हमने जावा होम बिन किया था, बिल्कुल वैसे ही हमें यहाँ पे भी ग्रैडल होम / बिन ये करना है। एक बार मैं चेक कर लूँ कि इसमें बिन है या नहीं, हाँ बिन है, तो ये यहाँ पे ग्रैडल कमांड इसे मिल जाएगी। ठीक है, सो दैट इज़ ऑल दैट यू हैव टू डू, जस्ट सेव ऑल दीज थिंग्स। ठीक है, दैट्स इट, आपकी मशीन सेटअप हो चुकी है। तो ये मैंने आधे घंटे का वीडियो बनाया है, आप अगर इसे बहुत ही डिटेल में भी देखकर आपकी मशीन सेटअप करते हो तो भी एक घंटे से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। चलिए, बहुत ही अगर कहीं फंस गए आप तब भी डेढ़ घंटे से ज़्यादा तो बिल्कुल ही नहीं लगना चाहिए। तो जो लोग एक या दो दिन लेते हैं भाई मशीन सेटअप करने के लिए, आप इम्प्रेस कर सकते हो आपके प्रोजेक्ट मैनेजर्स को, या फिर जो भी आपके प्रोजेक्ट में आपके सीनियर्स होंगे आप उन्हें इम्प्रेस कर सकते हो अगर ये वीडियो ठीक से देखोगे, स्टेप बाय स्टेप ये सब कुछ करोगे। और सारी चीज़ें मैंने एक तरीके से बताई है, जैसे जावा के लिए भी सेम स्टेप्स हमने किए, एंड्रॉयड के लिए भी वही किया और ग्रैडल के लिए भी एग्जैक्टली सेम स्टेप्स किए, तो भूलने का कोई चांस ही नहीं है। ठीक है, अगर भूल जाओ तो फिर भी ये वीडियो देखो, आप मुझे थोड़े ज़्यादा व्यूज़ दे पाओगे अगर आप भूल जाते हो तो। एनीवेज, इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ शेयर, लाइक, सब्सक्राइब, ओके, एंड स्टे कनेक्टेड विद मी। अंटिल नेक्स्ट टाइम, दिस इज़ अमित साइनिंग ऑफ, जय हिंद, वंदे मातरम।